with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak. So hey guys, I am Vishal Tiwari and you are watching. सो फ्रेंड्स, मैंने मंगवाया ये एक्सोर का हेलमेट। एक्चुअली मेरा पुराना हेलमेट टूट गया, सो मुझे दूसरा हेलमेट लेना था, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा हेलमेट लेते हैं। तो ये हेलमेट ना ज़्यादा सस्ता है और ना ज़्यादा महंगा है। महंगे में तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और सस्ते में भी काफ़ी सस्ते आते हैं, तो ये मैं कहूँगा कि बीच वाला है। और उस रेट, उस जो प्राइस रेंज में, 4 से 5 हज़ार की प्राइस रेंज में, इसके बराबर का हेलमेट तो मुझे तो नहीं लगा कोई सा। एक्चुअली और भी जो LS2 ब्रांड आते हैं, या MT आता है, या फिर SMK आता है, और वो उस LS2 और MT तो ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। SMK इसके बराबरी में आते हैं, SMK के हेलमेट। बट एक्चुअली उसका जो चिन कर्टन रहता है ना, वो छोटा रहता है, और बाकी थोड़ा डिपेंड करता है कि भाई आपको ग्राफिक्स कैसे पसंद आते हैं। और मुझे चिन कर्टन थोड़ा बड़ा भी चाहिए था, तो इसके अंदर वो आता है, और थोड़ा ये हेवी सा भी दिखता है। SMK की कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा हेवी दिखता है। सो फटाफट से चलिए हम इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। और मैंने ऐसे मंगाया है अमेज़ोन से, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फटाफट से हम खोल लेते हैं, और एक डिवाइज़र है, और एक अच्छे से झोले के अंदर रख के दिया है हेलमेट। ये बॉक्स हम कर देते हैं साइड में। अच्छा, और सामान पड़ा है इसमें कुछ, अब खाली हो गया ये। सो ये बैग भी थोड़ा बढ़िया सा दिख रहा है, और ये एक्चुअली हमारी बैक साइड पे हैंग करने काम आता है। अगर हम हेलमेट हैंग करके घूमने जाते हैं तो हमें कुछ ये सामान मिला है इसके साथ में। ये सिलिका है, तो ये दो वाइज़र हैं, एक छोटा वाइज़र, एक छोटा बड़ा वाइज़र, और ये बढ़िया सा एक एक्सोर का स्टिकर। आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप इस पर लगा सकते हैं, ताकि कोई ऐसी वैसी वाली सिचुएशन में आप की जो हेल्प करने लोग आए हैं उनको पता चल सके। और ये 4 रेडियम रिफ्लेक्शन के लिए, एक जहाँ भी पता नहीं कहीं लगा लेंगे अपन को, जहाँ समझ में आएगा। और ये, और 2 ये दिए हैं, और बहुत ही शानदार सा है हेलमेट। देखिए, ये DD लॉक के साथ में आता है। एक्चुअली ये ज़्यादा सेफ बताते हैं अपेक्षा, वो क्लिप वाले जो लॉक होते हैं ना, वो उनसे ज़्यादा सेफ़ होते हैं। एक्चुअली आसानी से ये ओपन नहीं होते, वो वाला टूटने पर या आसानी से थोड़ा बटन में प्रॉब्लम की वजह से वो ओपन हो सकते हैं, बट ये DD वाले लॉक वाले आसानी से ओपन नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा सेफर साइड वाले होते हैं। तो ये DD लॉक है, बस थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है इसको लगाने के लिए, और थोड़ी सी आदत भी डालना पड़ती है। बाकी जो लोग स्कूल के बैग की वो रस्सी खींचने की जिनको आदत रहती ना, लैपटॉप की और बैग की, तो वो वैसे ही रहता खींचने का। अभी मैं पहन के बताऊँगा आपको। और ये देखिए, 3D लोगो टाइप का एक, अभी स्टील का है कि प्लास्टिक है तो मुझे पता नहीं, बट ये जो X लिखा है 3D में है, और बढ़िया सा पूरा एक वेनमस अपेक्स वेनमस ये हेलमेट है एक्चुअली इसका मॉडल। और एक ग्लॉसी मंगवाया मैंने, बाकी डिपेंड करता है, बहुत सारे मॉडल आते हैं, आप कौन सा मंगवाना चाहते हैं। अमेज़ोन से मैंने मंगवाया है। और ये 2 एयर इनटेक के बटन, यहाँ से हवा आएगी और यहाँ से हवा जाएगी। ये छोटा वाला एक्चुअली यहाँ पर ये दिख रही ना आपको, ये स्टील सी, सो ये एक्चुअली इसको अगर आप ये बड़ा वाला लगाना चाहें तो बड़ा लगा लीजिए, छोटा लगाना चाहें तो छोटा वाला भी लगा सकते हैं। सो ये छोटा वाला जो है, ये एक्चुअली ये स्टील की जो दिख रही है इसको ढकने के लिए है, नहीं तो असली में कोई काम नहीं आता। बट अगर आप बिना स्पॉइलर, जो ये छोटा सा है तो ये उसको ढक देगा, स्टील जो दिख रहा है ना यहाँ पे,
आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टील है यहाँ पे, और ये बड़ा वाइज़र एरोडाइनामिक्स वाले डिज़ाइन में दिया हुआ, पूरा हेलमेट ही वैसा उस डिज़ाइन में, सारे हेलमेट उसी साइड टाइप के डिज़ाइन होते हैं। ये चार बटन है, दो इधर और दो इधर हैं, दो ये लॉक वाले, और इसको हमें यहाँ लगाना होगा, बस अभी लगा देते हैं। हाँ ऐसे ही लगेगा, ये कर दिया आपने फिट। अब इसकी लुक देखिए कितना बढ़िया सी इसकी लुक आ रही है, और इसको ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ डॉट और ईसी, ये देखिए लिखा, ये एक्चुअली इसके अंदर ही लिखा हुआ है सब कुछ, कोई पर्ची वगैरह नहीं लगी है। स्टिकर है यहाँ पर, और ये भी स्टिकर है, बाकी ये स्टिकर नहीं है, ये इसके अंदर ही लिखा हुआ सब, वेनमस एक्सोर हेलमेट्स डॉट ईसी सर्टिफाइड डॉट, जो अमेरिका का सर्टिफिकेशन है, और ईसी हमारे यूरोप का, और आईएसआई हमारे इंडिया का। तो ये देखिए इस पर एक लगी छोटी सी स्टिकर, इस पर लिखा है आईएसआई सर्टिफाइड, तो ये आजकल लगा आता है, तो इन्होंने यहाँ भी सर्टिफाइड करवा लिया हुआ इंडिया में भी, तो इसलिए आईएसआई सर्टिफाइड भी रहता है, बस ये बन के बाहर से आते तो इसलिए इस पर लगा नहीं होता ये, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ईसी सर्टिफाइड हेलमेट वैसे असली में होना चाहिए, जो इन सब में सबसे बेस्ट जो होता है ईसी सर्टिफिकेशन होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईसी सर्टिफिकेशन जो होता है सबसे बेस्ट वाला आईएसआई और डॉट दोनों से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आईएसआई ईसी और सारे सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, तो ये भी इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि इसमें पिन लॉक सिस्टम आता है। चलिए हम इसको ओपन कर देते हैं, ये और ये देखिए, ये इसके अंदर जो दिख रहा ना ये है पिन लॉक, ये एक्चुअली दो बटन से हैं, और ये जो दिया है ये इसके अंदर है, ये यहाँ से ये आपको पता होगा कि ये पिन लॉक जो होता है वैसे सारे हेलमेट के साथ नहीं आता, वो अलग से ख़रीदना पड़ता है, या जिन से भी एक ये हेलमेट और एक एस एम के हेलमेट आते हैं, और ये हेलमेट है जिनमें ये पहले से लगा आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो ये फॉग और जो बारिश के मौसम में इसके अंदर यहाँ फॉग नहीं जमती है, जिससे भाई हमको ग्लास खोल खोल के गाड़ी नहीं चलाना पड़ेगी, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी। और ये देखिए ये बढ़िया सी साइड में ये बटन है इसका बंद चालू करने के लिए, है ना शानदार। येलोइश के कलर में दिख रहा था तो मैं सोच भी रहा था कि ऐसा क्यों दिख रहा है, ये एक्चुअली इस पर भी एक पन्नी लगी है, ये देखिए। अब ये देखिए ये हेलमेट कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये एक बटन यहाँ पे है एयर इनटेक वाला, और ये इसको खोलने के लिए, और ये आउटटेक। तो चलिए फटाफट से, कुछ नहीं इसको पहनने का तरीका ये है कि वो टाइट बहुत रहता है, तो अच्छे से इन दोनों को पकड़िए, और ऐसे करके ये डबल डी तो हम बाद में लगा के दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अंदर से लगा आप खुद ही समझ जाएंगे। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है, और ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे लगी, जब आप धूप में चलाएंगे तो, और एक्चुअली बहुत ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा पेक सा हो गया हूँ, मैंने बोला अरे बाप के जमरे, सच में भाई साहब इसमें भाप नहीं जमती है, एक्चुअली इसका अंदर वाला जो ग्लास है ना इसमें भाप जम गई, तो मुझे लगा मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। तो कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, मैंने बोला ना मैं स्मॉल पहनता हूँ, बट ये भी मुझे आ गया और काफ़ी टाइट है, इसको उतारने में काफ़ी मेहनत ही है, कुछ टाइम में आदत पड़ जाएगी।
भाई साहब बहुत बहुत हेवी है। तो बहुत ही बढ़िया सा ये हेलमेट है, मैंने ग्लॉसी कलर मंगवाया है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। जब ऑफ़र वगैरह आते हैं ना तब आपको ये अच्छे डिस्काउंट में भी मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।